दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन खास संकेतों के बारे में जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपको दिख जाए तो समझो माता आप पर प्रसन्न हो चुकी है। अब आपकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है क्योंकि माता का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर है। दोस्तों नवरात्रि की पूजा आप सभी करते होंगे और कलश की स्थापना भी आप लोगों ने अपने घर पर अवश्य ही करी होगी। अगर नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, सुबह शाम कपूर जलाकर माँ की आरती नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य कीजिएगा और अपने पूरे कमरे में जो कपूर की लौ होती है उसे अवश्य दिखाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। अगर संभव हो तो कपूर में 2 लौ डालकर ही आरती स्टार्ट करें, इससे पूजा का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दोस्तों अब जानते हैं माँ के उन विशेष संकेतों के बारे में। जब माँ आपसे प्रसन्न होती है यानी आपकी पूजा को स्वीकार कर लेती है तो कुछ खास संकेतों के माध्यम से ही माता आपको बताती है कि मेरी कृपा तुम पर है और मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। दोस्तों इन संकेतों और घटनाओं को देख कर आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्र में मिलने वाले उन खास संकेतों के बारे में जो यह बताती है कि आप पर माता रानी की कृपा हुई है कि नहीं हुई है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है, माँ की कृपा आपके घर में होती है, यानी धन वैभव से जुड़ा यह संकेत होता है। खासकर नवरात्रि के दिनों में रात के समय, ना कि दिन और सुबह के समय, खासकर रात के समय अगर आपको उल्लू दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके घर पर हो चुकी है और माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रही हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू, इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में अगर आपको रात्रि के समय उल्लू दिख जाए तो आप धन धान्य से संपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों दूसरा संकेत है 16 श्रृंगार से सजी कोई भी महिला या कोई लड़की। अगर आपको कोई भी महिला या लड़की 16 श्रृंगार में दिखाई देती है तो यह काफी शुभ शगुन होता है। बिल्कुल सजी धजी हुई लड़की 16 श्रृंगार में, खासकर नवविवाहित महिला जो होती है वह आपको दिख जाए नवरात्रि के इस विशेष शुभ अवसर पर, यानी आप घर से निकल रहे हो और रास्ते में आपको वह दिख जाए, इस तरह के अगर आपको कोई संकेत दिख जाए तो समझो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा से वह प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आप पर अब हो चुका है। धन दौलत तो आपके घर पर बरसेगा ही, इससे आपके जीवन की सभी कष्ट परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों वैसे तो नवरात्र में कमल का फूल माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपने अभी तक माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित नहीं किया है तो कम से कम महाअष्टमी महानवमी के दिन आप ऐसा जरूर करें। एक ही कमल फूल आप माता को अर्पित करें, पर आपको माता को कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, यह माता को प्रिय होता है। अगर खासकर सुबह के समय आप कमल का फूल और नारियल अगर आप देख लेते हैं, यानी कोई पूजा पाठ के लिए जा रहा है उसके पास आपको सुबह सुबह कमल का फूल नारियल दिख जाए उसकी थाली में, तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। अब माता आपकी सुरक्षा के लिए आ चुकी हैं और दुश्मन इत्यादि जो भी संकट आप पर लगे थे वह सब दूर हो जाएंगे, माता स्वयं आपकी रक्षा के लिए आ चुकी हैं। नवरात्रि के दिनों में यदि आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर निकलते ही गाय के दर्शन आपको हो जाए तो समझिए जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। नवरात्र में सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ यदि आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके भाग्य खुलने वाले हैं, जल्द ही आपको धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। नवरात्रि के इस पावन मौके पर सपने में शंख देखना भी बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। अगर सपने में या अगर कोई भी छोटी कन्या आपके आसपास आकर आपको एक सिक्का दे देती है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा माँ का रूप माना गया है। सपने मिलने वाले इस संकेत से पता चलता है कि देवी माँ की कृपा आप पर विशेष तरीके से है और नवरात्रि के इन दिनों में खासकर छोटी कन्या का सिक्का देना आपके लिए धन लाभ को बढ़ा देता है, यानी कि निश्चित ही आपको धन लाभ होगा,
साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है, इसलिए आपको यह संकेत मिला है। तो दोस्तों, अगर नवरात्रि में इनमें से कोई भी संकेत आपको दिख जाए तो समझिए माता की कृपा आप पर है और निश्चित ही आप माता के विशेष नज़रों में आ चुके हैं और उनकी विशेष कृपा से अब आपको आपके हर कार्यों में सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।